नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद में बीसी के युवा सीटू द्वारा अभिनंदन सम्मेलन समारोह आयोजित किया। कापासार आउटसोर्सिंग में आयोजित किया गया अभिनंदन सम्मेलन समारोह बिहार कोलियरी कामगार यूनियन द्वारा कापासारा बीसी के यू के महामंत्री सहनरसा पूर्व विधायक सह जीबीसीसीआई सदस्य अरूप चटर्जी को बेलचुड़ी में स्वागत कर दर्जनों की संख्या में मोटरसाइकिल से मुगमल आया गया, जहां से पैदल जुलूस की शक्ल में अरूप चटर्जी की अगुवाई में सभी कापासार आउटसोर्सिंग समारोह स्थल पहुंचे। पूर्व विधायक सह जीबीसीसीआई सदस्य अरूप चटर्जी ने बताया कि आज भाजपा से 40 की संख्या में मासस में शामिल हो रहे हैं, उनके अभिनंदन में यह समारोह का आयोजन किया जा रहा है। संवाददाता पप्पू केवट की रिपोर्ट। खास करके कापासारा ओसीपी में जो भी साथी लोग भाजपा छोड़ कर हम लोगों के साथ ज्वाइन किए, ये एक समय हम ही लोगों के साथी थे और हम ही लोग इनको दोबारा यहाँ पर नौकरी में भी लगाए थे। वो तमाम लोग फिर से दोबारा भाजपा छोड़ कर मासन ज्वाइन किया। कापासारा कचहरी में आप एक तरफा जितने भी मजदूर हैं सारे लोग बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के नेतृत्व यहाँ लगा। दादा महंगा, जब से मोदी जी की सरकार आई, ये बात सही है, सिर्फ तेल और डीजल की मामला नहीं है, अब सारे राशन के सामान देखते हैं, रसोई की तेल का मामला देखते हैं, सब्जियों का देखते हैं, ये सारे चीज़ महंगाई आज चरम पर। तो सरकार तमाम चीज़ों, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, ये तमाम सेंटिमेंटल चीज़ों को लेकर, या लोगों को राशन, फ्री राशन जो आगे भी मिलती थी उसको, तमाम चीज़ों को लेकर लोगों को दिग्भ्रमित करके रखी है। कभी ना कभी हम समझते हैं लोगों की आंखें खुलेंगी और भाजपा की सरकार जाएगी, तभी जाके ये तमाम महंगाई करेगी। अच्छा, जो भी समस्याएं हैं ये लोग डिमांड नोटिस देगी तो हम लोग मैनेजमेंट से उसको दिलाने का काम करेंगे।